नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 15 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी देखिए, इसका अप ट्रेंड अभी भी एज मैं प्रिडिक्ट किया था कि ये आप जाएगा, तो ये इसका अप मूवमेंट अभी तक ये इट हैज केप्ट अप इस अप मूवमेंट एंड ये अभी तक 20 डेज ईएमए एंड 10 डेज ईएमए का ऊपर है, और 10 डेज ईएमए 20 डेज ईएमए का ऊपर है, और ये कंटिन्यूसली अभी तक हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहा है। बट टुडे इट हैज़ मेट प्रोमिनेंट बुलिश कैंडल, सॉरी बियरिश कैंडल, एंड इस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज 10,960 आप लोग पकड़ सकते हैं। इसका नीचे जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ सकता है, सोच लीजिए 10,907, उसके बाद 10,920 के नीचे, 10,921 के नीचे 10,790 तक आ सकता है। अल्टीमेटली इसका 10,650 ये तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, 10,650 का सपोर्ट। और इधर अप ट्रेंड में ये 11,040 के ऊपर ये फिर से अप मूवमेंट देगा 11,000 तक, बट 11,100 में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आज भी तोड़ नहीं पाया है। इस तोड़ने का कोशिश किया था लेकिन 98 जाके रुक गया, अभी तक आज कोशिश वो उसका पुल बैक हो गया, तो ये होना ही था। कल भी मैंने प्रिडिक्ट किया था ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट रेट, मैंने ऑप्शन चेन में आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में देखिए, कल इसका पीसीएल रेशियो 1.45 के नीचे ऊपर चला गया था, तो ये इसका हाई लेवल हम लोग पीसीएल रेशियो का जो हाई लेवल हम लोग पकड़ते हैं 1.5 1.6 वो टच कर गया था, तो ये होना ही था। तो कुछ पुल बैक हुआ था, पुल बैक हुआ है, ये अभी तक 1.1 का बीच में है, अभी तक 1 के ऊपर है। इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इंडिकेटिंग दैट इट विल गो डाउन। एंड इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 11,100 पे है, और सपोर्ट 10,900 के है, 10,900 के में है, और इसका प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 38.70% एंड ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 28.93%। बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स आई थिंक इट द निफ्टी सीम्स टू कीप अप इट्स अप ट्रेंड बिकॉज इट्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड कॉल साइड एंड पुट साइड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड इट्स मोमेंटम। एंड बैंक निफ्टी, इन केस ऑफ बैंक निफ्टी इफ आई कंसिडर द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, ये भी 20 डेज ईएमए का ऊपर है, और 10 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर है। ये भी लगातार 3-4 दिन से हायर हाईस एंड हायर लोज बना रहा है, और ये भी आज थोड़ा सा नीचे लास्ट सेशन में थोड़ा सा पुल बैक हुआ है इसका, और ये थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर या बोल सकता है कुछ शूटिंग स्टार जैसा, मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है, तो ये नीचे जाने का के लिए इंडिकेट कर रहा है। ये नीचे जा सकता है, इसका नीचे इसका 27,550 में इसका सपोर्ट है, ये तोड़ेगा तो ये नीचे आ सकता है, 27,000 तक आ सकता है, उसके बाद फिर ये 26,736 तक आ सकता है, और ऊपर जाने का मैंने करूँगा तो ये 27,924 के ऊपर ये फिर से ऊपर जाएगा, ये 28,115 ऊपर जाएगा, 28,115 तक जा सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है। और इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो